यहाँ से वाटरफॉल्स एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। वैसे जगह बहुत सुंदर है। देखिए मैं बैठा हुआ हूँ वाटरफॉल्स के ठीक सामने। हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं करांगसुरी वाटरफॉल से। अभी रुक करेंगे फीफी वाटरफॉल्स की तरफ। मुझे ठीक मालूम नहीं है कितना दूर है यहाँ से, लेकिन एक लोकल आदमी मुझे कह रहा था कि यहाँ से शायद 10 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फीफी वाटरफॉल्स की तरफ। हम जिस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, मतलब फीफी वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत ही ऑफबीट है। यहाँ के बहुत कम लोगों को पता है इस वाटरफॉल्स के बारे में, और बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। और हमारे मार्टिन को भाई को भी ठीक तरह से पता नहीं था, तो मार्टिन भाई सबसे पूछ पूछ के जा रहे हैं। अगर एकदम ऑफबीट जगह के शौकीन हो, आप अगर ऑफबीट जगह पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये जगह बस आपके लिए ही है। मार्टिन अभी पूछ रहा है। हम जिस जगह से क्रॉस किए हैं अभी अभी, वहाँ पे अभी ब्रिज भी नहीं बना है। हमारे आगे बस एक ही गाड़ी हम लोगों को अभी तक नज़र आ रहा है, और वो गाड़ी भी शायद पानी में फंस चुका है। देखिए मैं अपने गाड़ी से उतर गया, और ये गाड़ी कैसे आ रहा है वो देखिए। यहाँ पे रास्ता बहुत ही ख़राब है, क्योंकि रास्ता अभी अभी शायद बन रहा है, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है हम लोगों के लिए। पता नहीं भाई हम कहाँ पे आए हैं, देखते हैं। मार्टिन भी कंफ्यूज्ड है, खोज चल रहा है फीफी वाटरफॉल्स का, देखते हैं मिलता है कि नहीं। मुझे जितना लग रहा है हम लोग वाटरफॉल्स के बहुत करीब है, क्योंकि वाटरफॉल्स का साउंड यहाँ पे आ रहा है। पर दोस्त एक बात तो है, हम लोगों को वाटरफॉल्स देखने को मिले या ना मिले, पर इस जगह में एक अजीब सी सोनापन है जो कहीं ना कहीं दिल के तार को छू के निकल रहा है। हम लोग करीब है वाटरफॉल्स के, बस इतना भी करीब नहीं है। यहाँ से वाटरफॉल्स दिखाई दे रहा है। मार्टिन दिखाई दे रहा है ना, देखिए इस रास्ते से जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर वाटरफॉल्स के सामने। Thank you.
जैसे कुछ अच्छा चीज़ पाने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, ये भी वैसा ही है। इतना खूबसूरत चीज़ देखने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। किसी तरह से भाई यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी मार्टिन के भरोसे, मार्टिन के हेल्प से। ये बंदा नहीं होता ना तो यहाँ तक भी नहीं आ पाते हम। अब देखिए यहाँ से, देखिए मार्टिन, देखिए कितना साफ है इसका पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए कितना खूबसूरत है ये जगह, माइंड ब्लोइंग।